गरम। लुडियां पावा जे तू एक्स्ट्रा चीजें ऐड की ना अंदर तो मैं तेरी लत्ता मान देंगी। तू शेर है और करो और ओके अरे तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ सारा चमाएगा तुम। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा चैलेंज करने वाले हैं और देखते हैं कि जिन जिनके साथ चैलेंज करना है वो जाग रहे हैं कि नहीं। So let's go। अच्छा मैं नीचे आई हूँ तो ये मामा कुछ काट रही थी तो पहले तो मुझे लगा कि ये टेंडे हैं लेकिन गुठलियाँ देखने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि ये ना अम्बी हैं। अम्बियाँ नहीं है, कैरी हैं। कैरी अम्बी वही जो मेरी फेवरेट है। सो अब हम इनकी चटनी बनाने लगे हैं कि वो एक मुरब्बा बनता है इसका मजे का। इसका मीठा मुरब्बा खाएंगे थोड़ी सी खाएंगे। रेसिपी शेयर करें। थोड़ा गला खराब हो रहा है, बहुत खट्टा, बहुत ज़्यादा खट्टा। जिनके साथ चैलेंज करा था वो दोनों बच्चियाँ सो रही हैं और मेरी अम्मा ने जो क्या बनाया था अम्बी की चटनी जो होती है ना वो बनाने के लिए यहाँ पे ये मटेरियल रखा हुआ है और इतनी कोई मजे की खुशबू आ रही है ना इसका, वो जो मुरब्बा नहीं होता आम का मुरब्बा उस टाइप का कुछ बना रही है। सो टेस्ट करके बताऊंगी आपको। हम ना इसका थोड़ा सा जूस लेते हैं और ट्राई करते हैं। यम्मी, इतना मजे का है। हम चाय पीते हैं साथ साथ और जब ये बन जाएगा तब इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। मम्मा इतना मजे का, ये बड़ा टेस्टी है, खट्टा मीठा, इतना यमी कि मैं क्या बताऊं। तो ये आपने रेसिपी कहाँ से सीखी है? ये मेरे बचपन की है। वाकई? तो ये मेरे बचपन की भी है। पापा जी मामा ने एक नई डिश बनाई है, गेस करें क्या? आलू? नहीं आलू नहीं है, वो है मुरब्बा जो छोटे होते खाते होते थे हम। खट्टा खट्टा अम्बियों का मुरब्बा, अम्मी का मुरब्बा है ये, अम्मी का। सही है, चले आपको टेस्ट कराऊंगी थोड़ा सा। मैं पापा को इसलिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि वो खट्टा नहीं खाते हैं। ओके, सो एक साइड पे मैंने रखी हुई है चाय और दूसरी साइड पे हमारी रेडी हो गई है अम्बी की चटनी, मेरी अम्मा की स्पेशल डिश। और इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? चलो। ओह गरम, इसने खाता उंगली ऐसे। इसको हम टेस्ट करते हैं। यम्मी, खट्टी मीठी। बहुत मजे का सॉन्ग है। इसमें उसने वॉच पहनी हुई है जो इंडियन 3 करोड़ और पाकिस्तानी 7 करोड़ की है। हैं? जी किसने पहनी है? जो बादशाह ने? नहीं नहीं पहनी हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर आप भी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जाके सुने फटाफट से। बहुत अच्छा सॉन्ग है। ओके, तो हमारे घर में यहाँ पे कोई मांगने वाली आई हुई है। मुझे नहीं पता इसको यहाँ पे क्या काम है लेकिन यहाँ पे कुछ मांग रही है। इसका बाउल किधर है? इसमें पैसे डालो। दिखाओ क्या कर रही हो? टिकटॉक बना। मैं इस टाइम कोई और काम नहीं है, टिकटॉक का टिकटॉके बना रहा है बैठ के। तो आज हम लोगों ने जैनब क्या करना है बता दो सबको। चैलेंज आज हमने करना है स्पाइसी नूडल्स चैलेंज। और इस नूडल्स में कोई चीटिंग नहीं है, जितना मसाला होगा ना पूरा ओवरऑल डालना है और मैं आपको दिखाऊंगी कि सब डालेंगे, कोई चीटिंग नहीं होगी। नहीं, फिर देखना है कि कौन जीतता है। मैं कह रही हूँ मुझे लगा था एक ही पैकेट को दोनों में करेंगे, सिर्फ एक, उसके अंदर कोई चीटिंग नहीं चलेगी। ठीक है, ये मैडम अंदर आ चुकी है। मेरा बच्चा बना जाके आओ, तुम भी मेरे साथ बनाओगी। चलो तुम भी बनाओगी। फिर राबे सो रही है बेसिकली, तो उसने हम तीनों ने मिलके चैलेंज स्पाइसी वाला करना है क्योंकि सबका मुंह इकट्ठे सड़ने चाहिए ना, अलग अलग किसी का। कौन कौन कर रहे सारे? तुम, मैं और राबे, हम तीनों का स्पाइसी नूडल्स। और एक एक पूरा पैकेट डलेगा, पूरा पूरा पूरी मिर्ची डलेगी। देखो अंदर पड़े हुए ना 3 पैकेट पड़े हुए, देख सर। देखो पड़े हुए, बाकी किधर है? तुम बड़ी चलाको सारे, तुम अकेली खा गई, मुझे पता चल गया। जैनब मुझे नहीं पता, लेके आओ जाके, जहाँ से मर्जी लेके आओ, सारे खा गई। पूरा पैकेट था, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पूरा पैकेट मैंने मंगवाया था चैलेंज के लिए और ये अकेली खा गई है। अंदर 5 थे, 2 मैंने खाए, सारे तुम खा गई, आप ही ने खाए। मुझे नहीं पता, मुझे मंगवा के दो जहाँ से। नहीं मुझे नहीं पता।
ओके सुजानब और मैं, हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हमारे पास जो नूडल्स थी उनकी कमी हो रही थी और हम लेने जा रहे हैं, सिर्फ जैनब की जैसे इतनी मोटी हो गई है खा खा के सारी नूडल्स, ये सारी खा जाती है अब सॉन्ग से पहन रही है सॉन्ग से। आपको पिछले ब्लॉग में मैंने इसकी एक वाइट सॉक्स दिखाई थी कितनी गंदी थी और वो कह रही थी मेरी धुली हुई सॉक्स देखा ना जरा गंदी सॉक्स जैनब की, इस घर में सबसे ज्यादा गंदी सॉक्स जैनब की होती है। चलो आ जाओ चले, ये देखे गाइस जैनब की सॉक्स, ये जैनब की वाइट स्कूल सॉक्स है ना गंदी। जैनब तुम नूडल्स लेने जा रही हो, किसी की जंज लेने नहीं जा रही हो, इतना तैयार हो गई। मुझे बताओ किसकी जंज पे जा रही हो, आप में से किसको पता है जंज पे जा रही जंज पे जा रही है जैनब जंज टूर पई बाज जैनब मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुम्हें बड़े सीरियस नोट पे, मेरे ना मेरे सिर से चढ़ के बैठ जाओ, पापा देख रहे हैं आज ही जाना नहीं है। हम पहुँच चुके हैं, अब जैनब मैडम उतर रही है नीचे और अब तुम्हें अकेले जाना है, ठीक है जाओ। क्या चाहिए? क्या मैं खाली हाथ लेके आऊँ? हाँ खाली हाथ जाओ, पैसा दो। पापा के पुरजोर फरमाइश पे डायलॉग दोबारा बोला जा रहा है और वो जा जैनब जी ले अपनी जिंदगी जा, ठीक है। जो तू एक्स्ट्रा चीजें ऐड की थी ना अंदर, तो मैं तेरी लत्ता बांध देंगी, ठीक है। आपको पता है जैनब एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लेती है, चल जल्दी जाओ लेके आओ। तुम चले चलो मंदिर जा रहे, स्पेशल तुम्हारे साथ आई हूँ, मुझे तुम पे यकीन नहीं था जैनब, तुम्हारे लिए एक राइड मिली है, धूम मचा ले, एक ले लो। जैनब को बुगाटी चाहिए, जैनब को मर्सिडीज चाहिए और यहाँ पे इसको ये मिल रही है सारी, ले लो एक अच्छी सी। नहीं, पूरी नहीं ले दो वो पड़ी हुई स्टार वाली मर्सिडीज, रेड वाले ज्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। हेलो कैसे हैं आप, क्या जैनब नीचे रख दो मैं तुम्हारे मुँह सकाऊंगी, क्या बदतमीजी है। उन्होंने कहना लेना पड़ जाना तुम्हें, रख वापस शेर है, रोर करो और मैं वैसे सोच रही हूँ मैं ना आप ही के लिए ये ले लूँ, आप ही के लिए ये ले लेते हैं, ये भी आप ही के काम आएगा। ये क्या तुम अर्थरुल बन गई हो? अर्थरुल नहीं चुड़ैल, नहीं ये मेरा है, ये मैं तुर्गुत हूँ तुर्गुत। मना करने के बावजूद इस औरत ने एक बिस्किट उठा के ना और भागी है कि मैंने ये भी लेना, जाने को भी ले जाओ सही, फजूल खर्ची की दुकान है। तो ये हमारी शॉपिंग हो गई है, लेकिन हमारा क्या रहता है, लेकिन हमारा नूडल्स चैलेंज रहता है, वो हम घर जाके कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गो, मां निकाल के घर को जा रहे हैं, जल्दी जल्दी निकालो, बंद करो और आ जाओ। अच्छा घंटा हो गया मैं वेट कर रही हूं, घंटा खाना नहीं खा रही, भूख लग रही, लेकिन वेट कर रही हूं कि ये लोग आएंगे तो नूडल्स खाऊंगी। जितना और मैंने तुम्हें पता है प्रॉमिस किया है कि जितना स्पाइस होगा सब डलेगा अंदर, और ये चैलेंज है, चैलेंज ही ये है बेटा, तभी तो जीत रहा, और फिर इन रिटर्न 5000 रुपीस मिलेगा। ओके बड़ा बड़ी बदतमीजी वाली बात है, लोग तरसते हैं, ठीक है, और तुम गंदी ऐसी गंदी किस पे कोई नहीं तरसता होगा, नहीं तरसते। अब मैं क्या कहूँ छोड़े। राबिया तुमने चैलेंज करना है और तुम यहाँ पे खड़ी होके नान खा रही हो, नहीं ये क्या बदतमीजी है, रखा है रखी है बनाने के लिए, और यहाँ पे हमारी बन रही है नूडल्स, यहाँ पे हमारी नूडल्स बन रही है, और मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया है कि हम हर नूडल में ये पूरा का पूरा मसाला डालेंगे, ताकि लोगों को दिखा दो क्या दिखाऊं, तीन ये और ये तीन के तीन पांच हो गए, चार हो गए हैं, जिसकी किस्मत जिसके मुंह में जो वाला लिखा हुआ है उसके ऊपर टू एक्स स्पाइसी, ये स्पाइसी है। कभी स्कूल भी गई हो तुम, कभी पढ़ने भी गई हो, इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनको पढ़ी ही नहीं है। मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, मैं अपना कार्ड अपनी मर्जी से यहाँ रख के जा रही हूँ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है हेरा फेरी करने की इस कार्ड की, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है प्रैंक करने की छुपाने की, ठीक है, अपनी मर्जी से रखा, जाते हुए ऊपर लेके जाऊंगी, ठीक है, मैं इसीलिए बता रही हूँ, पापा ने लास्ट में प्रैंक किया था मेरे साथ, मोहम्मद अपना सैलेड बना रही है वही रूटीन वाला, और हमारे यहाँ पे नूडल्स बन रही है, ठीक है, और ये नन्हे का सैलेड बन रहा है, और हम लोग स्पाइसी स्पाइसी नूडल्स खाने लगे। ताड़ा, तो ये हमने जो नूडल्स है वो रख लिया तीन प्लेट्स पे, आज का सारा काम जो है वो जैनब ने किया है, और बड़ी अच्छी बची बन के उसने, क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ का चैलेंज होने लगा है, और अभी हम इसमें ये डालेंगे कि एक्स्ट्रा मसाले, इक्वल है मसाले, तुमने एक्स्ट्रा ही निकाल लिए हैं, बस ठीक है इक्वल है, ये इसमें थोड़ी सी ज्यादा इसमें डाल दो। ओके सो यहाँ पे हमने नूडल्स जो है वो रख ली हैं, और इनाम के लिए दे इधर वापस, इनाम के लिए मिलेगा 5000 ताली इतलात, तो इनाम में मिलेगा ताली इतलात, और ये 5000 इसलिए रखेंगे कोई अपना खाम खा मुंह नहीं जलाएगा, तो जब तक आप पैसों का लालच नहीं दोगे तब तक वो चैलेंज में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब हम लोग इतने गंदे स्पून लेके आए, अब हम इसमें चिली डालेंगे और दूसरा ड्रिंक्स कोक शॉक,
लेके वैसे तो बना बहुत जल्दी। पहले ये डाल लो, इसमें हम सारा डाल ले जाना। नहीं यार चलो काफी है मेरा। नहीं चिटिंग है, सबने सारा हाफ हाफ डाल लेते, इतनी चिटिंग कर लेते। काव्या कब डाल दिया है? ज्यादा डालो। मैंने सारा तो नहीं डाल दिया। मैंने भी सारा पहले बताया हमने सब दोनों ने ज्यादा डाल दिया। बेटा अब सारा डाल दिया, अब ना बोलो कुछ सारा डाला है। कब डाला सारा? टिश्यू से साफ करके ये रख दिया, छुपा के दिखाती हूं सामने कुछ रखो। मैं ये देखें सारा इसमें रख दिया, और ये 5000 सिर्फ मुझे मिला। ये मैं जब हम आम रूटीन में खाते कहती है इतना सा डालना। हां कोई बात नहीं, से ये भी नहीं खाया जाना। हमारे सामने इतनी बड़ी बॉटल ला के रख दी, जैसे हम इसको मुंह पे मुंह लगा के पिएंगे। सबका एक एक बाइट का रिएक्शन देखोगे। रेडी चल। रेडी सेट। ओए 5000 किसने उठाए थे? वापस रखो। हमें देख के मोटिवेशन मिलती है, उसने छुपा ली है। इधर रखते हैं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। मुझे हंसी आई, तुमने किया क्या अपने साथ? मौत ज्यादा प्यारी है, जान ज्यादा प्यारी है। मेरे हॉर्न जल रहे हैं। इतना स्पाइसी से बंदा मर भी जाता है। मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारे साथ ऐसा हो। तुम लोग का दिमाग खराब, मरना तुम लोगों ने। तुम कर के ना ठूसो। ज़ैनब ने आधी खत्म भी कर ली है। मजाक कर। ज़ैनब तुम्हें मेरी प्लेट में ज्यादा डाली थी। रुक ना, मैं और लगती हूँ। बहुत स्पाइसी है, अभी डालो। ऐसा सब इन्हें मजा आना चाहिए। मेरे से नहीं हो रहा। हाँ मिर्ची लग रही है। मैं नहीं हग रही था, कुछ चला को मैं आप पोकर कर सकता। मेरे दांत में क्यों दर्द शुरू हो गया? मैं आंसू नहीं देख रहा आपको। वो स्पाइसी मुझे समझ नहीं थी, बनाई किसने और किस लिए बनाई है? मत खाओ, मत खाओ, मैंने नहीं खानी। तीर्थ दे दो, खिला भी दे दो। ये भी उसको तो दूध लेके आओ, उसके दे छोड़ो। छोड़ दो, स्किप कर दो, मैं जीत जाती हूँ। नहीं अभी मत खाओ, मर जाओगे अल्लाह की कसम। मेरा भी मजाक कराओगे, लोग कराओगे। मम्मा ये मर रही है। स्पाइसी जाना, मत खाओ, मत खाओ। इतना पागल हो, मुझसे ले लेना। बनाई किसने और किस वजह से बनाई है? ये तो नॉर्मल स्पाइसेस बहुत ज्यादा है। ये सही तरह का तरा निकला हुआ। इससे और मिर्चें लग रही हैं। नया वहाँ की कोल्ड ड्रिंक पे की ज्यादा मिर्ची लग रही है। तुम्हारी यहाँ पे भी लगा हुआ है सारा, साफ करो। ऐसा करो दूध पी लो, दूध दूध ना कैंसिल कर देता है मिर्ची के इफेक्ट। कम हो देखना, ये यार हो रही है। सच्ची कह रही है, इंसान मर जाए इससे पहले। क्या अरे तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ है सारा, चमाएगा तुम्हें। पानी की दर है, पानी दूध पियो, जाके पियो जल्दी से।
ये लो बेटा, रोना नहीं है आपने, रोना नहीं है, ये पैसे आपके हैं। प्लीज़ मैं मम्मा से मेरी शिकायत ना करना कि मैंने कहा था चैलेंज करने को। मम्मा पापा दोनों मुझे घूरियाँ डाल रहे हैं इनकी शक्लें देख के। ये लो, नहीं चाहिए चल मैं ले लूँ, थैंक यू। कितनी चलाक क्या, जिसने भी चैलेंज बनाया से बाद में सामने जिसने नूडल्स बनाई है वो मेरे सामने आ जाए। देखा इतनी, वही तो कह रही उसकी ब्लैक है इसमें ज़्यादा स्पाइस था, इसकी ये ब्लैक है और मेरी ये रेड है। मम्मा ना सबको दूध के ग्लास दे रही हैं पीने को, एक इसको दिया है एक मुझे दिया ताकि हमारी वो खत्म हो जाए। सीरियसली मेरे ना यहाँ पे मेरे ना मेरे सिर पे चढ़ के बैठो। आज तो बात हाँ चैलेंज किसी ने भी किया, किसी टांगे तोड़ दे आज तो बात है चैलेंज किसी ने भी किया तो लत्ता बांध देंगे हम यार। वाकई पूरी मिर्ची वाला चैलेंज बिल्कुल ट्राई ना करें घर पे आप, आपने अगर वीडियो बना दी तो आप उधर केचप ऐड कर ले, आपको सुकून होगा। यार इतनी स्पाइसेस खाता कौन है, कौन सी मखलूक है जो खाती है, कोरियन पता नहीं क्या क्या खाते हैं यार। तुमने मेरा दूसरा ग्लास भी पकड़ लिया, कुछ नहीं होता जाए ना जब मुँह धोके शाबाश। इससे पहले कि मेरी अम्मा जूता लेके आए और कहें कि अब हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, धोएंगे, धो के फिर इसमें हल्का सा नमक या कोई मिर्ची ऐड करके फिर खाएंगे ताकि ज़ाया ना हो, ये खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। आर यू ओके ना, बच्चों की तरह खाती हैं, मुझे ना आइसक्रीम खानी है, बहुत मिर्ची लग रही है, दूध से भी नहीं जा रही है। ये क्या किया है, अब मैं लोगों को दिखाऊंगी तो उन्हें भी वॉमिट आ जाएगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकती जो हरकत इसने नीचे की है। अपना सारा मुँह गंदा कर लिया, ओ माई गॉड। ओके सो काफ़ी टाइम हमें डांटने के बाद मेरी अम्मा ने क्या किया है, जो नूडल्स थी ना उनको धो डाला है, हमें भी धो डाला है, नूडल्स को भी धो डाला है, और इसलिए कि और हमें मना किया आइंदा के बाद खबरदार जो तुसी पूरा पैकेट पाया वेस्ट। आई मस्ट से डोंट ट्राई दिस होम के पूरा पैकेट डाल के ना खाना, जनाब की बहुत बुरी हालत है, अभी भी वो बिस्तर पर बैठी हुई है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर।